रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने सम्मन भेजा और उसके बाद में रॉबर्ट वाड्रा अपने वकीलों के साथ कई बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के यहाँ गए और इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा और उनकी जो वकीलों की जो टीम है आनंद फानंद में पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट और उन लोगों ने कहा कि उनको जो है रॉबर्ट वाड्रा के लिए अंतरिम जमानत की आवश्यकता है क्योंकि उनकी हेल्थ सही नहीं है। दोस्तों ये जो अंतरिम जमानत वाला जो शब्द है आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपके साथ आपका फ्रेंड एडवोकेट टीके कौशिक। दोस्तों तो आइए अब इस टर्म इंटरिम जमानत या फिर अंतरिम जमानत या इंटरिम बेल को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसा है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कहीं भी नहीं लिखा गया है अंतरिम जमानत के बारे में, लेकिन आखिर में ये है क्या? दोस्तों कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी 1973 का जो चैप्टर 33 है ये बात करता है बेल और बेल बॉन्ड से रिलेटेड। लेकिन बेल और बेल बॉन्ड से रिलेटेड करने के साथ ये कहीं भी डिस्क्राइब नहीं करता है इंटरिम बेल को। लेकिन जो बेल के विभिन्न सेक्शन हैं यानी कि सेक्शन 437, 438, 439 ऑफ सीआरपीसी, उसमें कहा गया है कि कोर्ट जो है माननीय न्यायालय जो है उसके पास बहुत ही ज़्यादा अधिकार हैं और कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है जब भी बेल ग्रांट करता है। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा कि कोर्ट के पास अपने विवेक को इस्तेमाल यानी कि अपने कॉन्शियस और अपनी अपने विजडम को एक्सरसाइज करने का अधिकार होता है, तो कई बार मानवीय सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत ग्रांट करता है। अब आइए जानते हैं ये कौन कौन से ऐसे मसले हो सकते हैं या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिन पर कोर्ट इंटरिम बेल दे सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोर्ट मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर इंटरिम बेल देता है। अब ये मानवीय पहलू कौन से हो सकते हैं? जो भी इनमेट यानी कि जो अंडर ट्रायल जो प्रिजनर होता है जब जेल में होता है या फिर आप जेल के बाहर ही हैं और कोर्ट आपको कोई अंतरिम प्रोटेक्शन ग्रांट कर देता है आपके मानवीय चीज़ों को ध्यान में रखकर। ये हो सकता है आपके घर परिवार में कोई हारी हो, बीमारी हो, आपके घर परिवार में कोई डेथ हुई हो। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि प्रिजनर को जेल से लाया जाता है जब घर में किसी की डेथ हो जाती है। इसके अलावा अगर इनमेट यानी कि आप खुद अगर आप जेल में हैं और अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी हारी है या किसी तरह का कोई आपको दिक्कत है जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना है, लालू यादव के बारे में आपने सुना होगा, लालू यादव साहब की तबीयत खराब थी तो उनको एम्स में भर्ती कराया गया था, तो स्पेशल सिचुएशंस में कोर्ट जो है मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर अंतरिम बेल देता है। दोस्तों रॉबर्ट वाड्रा के मसले पर भी यही हुआ। रॉबर्ट वाड्रा साहब के वकील कोर्ट के सामने गए और उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा साहब की जो है तबीयत खराब है, उसके लिए उनको अपना इलाज कराने के लिए लंदन जाना है। जो बड़े लोग होते हैं वो इलाज कराने के लिए लंदन अमेरिका जाते आते रहते हैं। तो कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रॉबर्ट वाड्रा साहब की तबीयत खराब है उसका उनको इलाज कराना है तो उनको इंटरिम बेल ग्रांट किया। दोस्तों तो आइए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कौन कौन सी मानवीय सिचुएशंस के आधार पे कोर्ट इंटरिम बेल दे सकता है। आपके घर परिवार में अगर किसी की तबीयत खराब है, घर में कोई स्पेशल ओकेशन है, घर में ब्याह शादी है, किसी की हस्बैंड या वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, या फिर अगर कोई मेल इनमेट जेल में है तो उस वो अगर अपने घर में बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये सारी नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं। कभी कभी लोगों को अपना इनकम टैक्स भरने, इसके अलावा अगर अपनी ज़मीन की खरीद फरोख्त करनी है, तो कोई भी स्पेशल सिचुएशन में कोर्ट जो है इंटरिम बेल ग्रांट करता है। आइए इसकी कंडीशंस के बारे में भी अब बात करते हैं। जब हम बात करते हैं इंटरिम बेल की कंडीशंस के बारे में, तो अमूमन जो सेक्शन 437 सीआरपीसी में जो कंडीशंस हैं वही कंडीशंस यहाँ पर लागू होती हैं, यानी कि आप देश छोड़कर नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते हैं, आपको कोर्ट को बताना होगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन है। इसके साथ साथ आपको मेक श्योर करना होगा कि अगर आपकी कोई कोर्ट की अपीयरेंस है तो आप कोर्ट के सामने जाएं, आप कोर्ट के हिसाब से कोर्ट जो कहे उस हिसाब की आप श्योरिटी कोर्ट में भरें, और अगर कोर्ट कहे कोई और स्पेशल सिचुएशन
आप उसका पालन करें, आप मेक श्योर करें कि आप जो आपके मुकदमे में वादी है, आप वादी को किसी प्रकार से डराएं धमकाएं नहीं। तो दोस्तों ये थी सारी कंडीशंस अंतरिम जमानत को लेके। तो दोस्तों ये थी सारी कंडीशंस और सिचुएशंस इंटरिम जमानत को लेके। देखिए जहां तक बेल का अधिकार है, मैग्ना कार्टा के समय से लेके अभी तक बेल का मतलब ये होता है कि जो जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जो अभियुक्त है, अभियुक्त कोर्ट के सामने जब उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो तो वो कोर्ट के सामने उपस्थित रहे और इसी को मेक श्योर करने के लिए कोर्ट जो है जुडिशियल कस्टडी में कुछ लोगों को रखते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी अगर कोई मानवीय आवश्यकताएं होती हैं तो उनको फुलफिल करने के लिए एक इनमेट यानी कि एक अभियुक्त जो जेल में है या फिर कोई अगर बाहर है जेल के, तो वो अंतरिम जमानत यानी कि इंटरिम प्रोटेक्शन कोर्ट से मांग सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।